जिले में भ्रमण के लिए रवाना हुए बिजली रथ। विद्युत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलेक्टर सभाकक्ष में हुई जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक। विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए लिए गए निर्णय। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ का आंदोलन लगातार जारी। रैली निकालकर किया गया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और एक अनोखा कार्यालय जहां हर पल जान हथेली पर रखकर भी होता है काम। जोखिम भरी है हर सीढ़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। कलेक्ट्रेट परिसर से आज जिले में विद्युत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बिजली रथ रवाना हुए। इस स्थल से कलेक्टर वेद प्रकाश तथा विद्युत अधिकारियों की उपस्थिति में विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह तथा जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इन बिजली रथों को रवाना किया। इस मौके पर विधायक नानाभाव मोहोर तथा जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के निज सचिव जेपी सिंह सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अभी एक असंगठित मजदूरों के लिए जो बिजली का बिल है उसको 200 रुपया फिक्स कर दिया। 1000 रुपये तक 1000 वाट तक बिजली जलेगी, अब उसका बिल 200 रुपये फिक्स कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ऊपर जो भी बिल आएगा वो राज्य सरकार भरेगी, माननीय शिवराज सिंह जी भाजपा की सरकार भरेगी। इसी प्रकार जो पुराने बिल बाकी थे उन बिलों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ कर दिया। जितने भी पुराने बिल हैं उन सबको माफ़ करके और नए सिरे से उनका 100% बिल माफ़ किया और अब नए सिरे से उनको 200 रुपये बिल लगेंगे। तो असंगठित मजदूर में लगभग प्रदेश की 70% आबादी जो है वो उस असंगठित मजदूर के अंतर्गत उसमें आ रही। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन घरों में बिजली नहीं है उनको सहज बिजली जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी को विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 15 लाख विद्युत कनेक्शन जो है वो देश के अंदर में दिए जा रहे हैं। उसका आज बैठक थी और बहुत सघन अभियान ही चल रहा है। मैं सभी जनता से आग्रह करूंगा कि जो भी जिनका बिजली का बकाया बिल है वो संबंधित वितरण केंद्र पर जाए और आवेदन वहाँ पर भर के दे। उनका बिल जो है वो पुराना बिल माफ़ होगा और अगले महीने से उनको 200 रुपये महीना बिल उनको लगेगा। इसी के साथ मेरी आपसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद और बल्ब को बहुत सस्ता कर दिया। 9 वाट का जो LED बल्ब है वो 40-50 रुपये मिल रहा है। ट्यूबलाइट आ रहे हैं, पंखे आ रहे हैं, तो बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। जहाँ बिजली उत्पादन करने में हमें बहुत सारे पर्यावरण हमारा ख़राब होता है, कोयला लगता है, पानी लगता है, और इसलिए जनता से निवेदन है कि बिजली की अधिक से अधिक बचत करें। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भरसक प्रयास किया है हर एक क्षेत्र में। आप देखिए कृषि के क्षेत्र में सभी को स्थायी पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं, भरपूर लोगों को बिजली मिले, चाहे उद्योग हो, घरेलू कनेक्शन हो, सबको 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करके। और आज हम मुझे बताते हुए कि एक समय ऐसा था मध्य प्रदेश में जहाँ झंड कमंडल विद्युत मंडल के नारे लगते थे, 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे बिजली बंद होती थी, मगर आज बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। आज प्रदेश बिजली बेचने वाले राज्यों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गणना हो रही है और सस्ती और सहज बिजली जनता को उपलब्ध माननीय मुख्यमंत्री जी को कराई जा रही, मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई जा रही है। मैं
मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयास के कारण गरीबों के घर में बिजली लग रही और सस्ती बिजली उनको प्राप्त हो। कलेक्टर वेद प्रकाश की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा का निर्णय लिए गए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, विधायक नाना मोहर, सांसद प्रतिनिधि जेपी सिंह सहित जिले के जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने निर्देश दिए कि रबी के लिए क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाएं और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों के समकक्ष ट्रांसफार्मर लगवाएं। मुख्यमंत्री स्थायी कनेक्शन योजना और सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हितग्राही छूट गए हैं उन्हें कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और हर घर में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने इस बात के लिए भी निर्देशित किया कि 24 घंटे और 10 घंटे वाले फीडर से घरों को कनेक्ट कर बिजली उपलब्ध कराई जाए, वायर लटकने और पोल झुकने की शिकायतों को दूर करें तथा न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरणों में छूट प्रदान कर हितग्राहियों के प्रकरण वापस लेकर उन्हें लाभान्वित करें, नल जल योजना को 24 घंटे वाली लाइन से कनेक्ट करें। अपने जिले में अभी मतलब आज की तारीख तक तो 66 पेंडिंग बस पेंडिंग है, इसका क्या कारण है? ये सब क्या होता है, जैसे पेमेंट होता है और उसमें तो आपने अंशदान ले लिया उसी में 700 लोगों करते हैं। क्या है कि जैसे मतलब मटेरियल काम तो करते हैं, मटेरियल उपलब्ध होता जाए लगा के जाए ऐसे अपन लोग करते हैं। अभी क्या है थोड़ा सा मतलब ये सौभाग्य योजना वाला। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। आज फिर संगठन द्वारा रैली निकाली गई, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। निकाल दिया जा रहा है। 11 तारीख से धरना क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। मैडम ने दो बार चर्चा के लिए बुलाई, दो घंटे तक चर्चा हुई, पर मैडम कह रही कि सारी नियुक्ति अवैध हुई है। ये मध्य प्रदेश शासन के नियम का पालन नहीं कर रही, सारी नियुक्ति मध्य प्रदेश के आदेश के अनुसार हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पातालकोट दो बार आए थे, उस समय नियुक्ति हुई है। रघुवंशी साहब बीजेपी के राज में सहायक आयुक्त रहे, उन्होंने नियुक्ति करी थी विशेष भर्ती अभियान में भरिया लोगों को, आदिवासियों को। मैडम कह रही है सारी नियुक्ति फाल्स हुई है। हम मैडम से पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास कौन सा ऐसा नियम है कि 2016 वाले तक को नियमित नहीं कर रही, मध्य प्रदेश शासन के आदेश की खुली अवहेलना कर रही है। मैडम कहती चाहे कुछ कर लो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैडम दैनिक वेतन की वेतन काट रही, अंशकालीन भत्तों की वेतन काट रही, 6-6 माह से वेतन नहीं मिली, लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं दे रहा है, पुस्तक कापी नहीं ले रहा है, ड्रेस नहीं ले रहा है। बड़ा हाहाकार मचा है मैडम के आने से। मैडम 1000 रुपये लागू नहीं कर रही, मैडम अनुकंपा नियुक्ति लागू नहीं कर रही। मैडम 25-25 साल हो गया बड़ी हुई वेतन का, अगर समय पे वेतन लगा देती तो आज 25 साल का एरियस नहीं मांगना पड़ता। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा कार्यालय जहां कार्य करने वालों को निश्चित ही अभूतपूर्व साहस के लिए सराहा जाना चाहिए। ऊपर तक पहुंचने के लिए हर सीढ़ी यूं हो चुकी है कि मानो पूरी गारंटी दे रही हो ऊपर पहुंचाने की। शायद पर्वतारोहियों सा पक्का दिल और जान हथेली पर रखकर
कार्य करने वाले का जज्बा ही इस कार्यालय की पहचान होनी चाहिए। छत भी यूं है कि खुद कैसे छत पर टिकी है यह देखा जा सकता है। सीमेंट कंक्रीट के धपड़े आए दिन गिरते रहते हैं। छत पर हर जंग लगा सरिया चीख चीख कर जैसे कहता है मौका रहते निकल लो यहाँ से, मगर यह दिलेरी ही है कि कर्मचारी अधिकारी तारपोलिन से भी टपकती छत को रोक लेने का भरोसा किए काम करते हैं। यह कार्यालय है वाणिज्य कर विभाग का। यहाँ काम चल रहा था क्या? ये लगी थी, एक को हाथ में लगी है। लग भी गई? लगी थी, वो तो और बच गए लोग। वो तो झंकी है जाती, वो चली इधर हट के बैठे थे इसलिए बच गए। वो कंप्यूटर उठे लगे सब पूरी बिल्डिंग का हाल ऐसा हो गया है ना, पूरा धपड़ा का धपड़ा आ गया सब। फिर उधर उसने सब चपरासी ने बस चपाई लोगों ने साफ किए बिछाए कर्मचारियों ने। फिर वो हुआ क्या लगी किसको? पानी ज्यादा आता होगा सब आपके चुपता होगा? हाँ इधर भी चुपता है ना सर, पानी सभी उसमें है ना। हाँ कोई अब गिरने लाख है, धप्पा कई होगा तो धप्पा ऐसे धप्पा ऐसे इतने बड़े धप्पा गिर जाते हैं, किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। हो सकता है। पन्नी वन्नी ढकी हुई है, कागज नाश हो रहे। कितना संभाल संभाल के रखेंगे तुम ही लोग? पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है उस पर। कई कागजात तो खराब हो जाते होंगे पानी आने में सर? नहीं, अभी तो बचा बचा के रखे हैं बाबू जी। अभी स्थिति बहुत ही खराब हुई है। अब इसके बहुत तुरंत रहता तो अच्छे ही रहता, वो तो क्या है बहुत ज्यादा नहीं लगी इस पर की कबर रही। खबरों के सत्तार को नाम देने के लिए आप लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। दिस इज अवर बालाजी पब्लिक स्कूल, रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस, अराउंड 100 स्टूडेंट पास फर्स्ट क्लास अलोंग विद डिस्ट्रिक्ट मेरिट, ऑनलाइन एजुकेशन विद टीच नेक्स, सीसीटीवी कंट्रोल्ड ऑफिस, टॉय बैंक, स्विंग स्लाइडर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, वॉलीबॉल, टेनिस, स्केटिंग, बस फैसिलिटीज, लॉन, ह्यूज प्लेग्राउंड, separate hostel for boys and girls, computer lab, well equipped physics, bio and chemistry lab, summer camp, library and book reading, dance classes, celebration on various occasions like 12-12-12, indoor games, science fair, Bharat Parv presentation, welfare work by scout guide camp, plantation by all clubs, regular yoga classes, cultural activities to show their talent, qualified teaching staff, water pot for birds, PT presentation, farewell, art classes, karate and taekwondo, educational tour, prize by chief minister, first prize in quiz, state level science talent award, first prize in district olympic, awards on Madhya Pradesh Foundation Day, first prize in PT, Balaji Public School, Janata Colony, Chhindwara। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजनीतिक दलों में विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियों की सरगर्मी तेज हो चली है। जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद और इसके साथ ही कांग्रेस के यूथ विंग में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में एनएसयूआई के संगठन विस्तार करते हुए युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आज
29 जून 2018 को माननीय कमलनाथ जी की अनुशंसा से और शाहिद खान जी के निर्देश अनुसार NACIC में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें भाई धवल मिगलानी को कार्यकारी अध्यक्ष, वसीम खान को महासचिव, अंकित मालवी जी को उपाध्यक्ष और पवन मसकोले को उपाध्यक्ष, शुभम राजपूत को महासचिव बनाया गया है और सतत 7 दिनों के लिए कार्य करें ऐसा मार्गदर्शन दिया गया है। DBA के तत्वावधान में जारी बैडमिंटन चैंपियनशिप में हर वर्ग के मैचों के साथ खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ खेलकूद की अच्छी प्रतियोगिताएं होती हैं और यहाँ का जो माहौल है अन्य जिलों से काफ़ी अग्रसर है और बच्चों को भी मैं ये राय देता हूँ और एक अनुरोध करता हूँ कि खेल को खेल भावना के साथ खेलें और छिंदवाड़ा का नाम रोशन करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल स्तर पर NCERT का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, जिसके अध्यापन के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का 6वां चरण प्रारंभ हो चुका है। प्रशिक्षण शिविर में छिंदवाड़ा तथा सिवनी के शिक्षकों को सरल सुगम अध्यापन के गुर सिखाए जा रहे हैं। घटना एक घटना में लेता हूँ, उसे परिणाम मिलेंगे जो उसके अनुकूल है वह शून्य और इसके हमने अभी संगठन को जो पढ़ाए थे परसों उसमें बहुत सारे हमने उसके तो समुच्चय बनाए थे। तो BE का जो मान है वह तो 0 से बड़ा होगा यदि उसका कोई अनुकूल परिणाम है तो, और यदि उसको ऐसा परिणाम मिले कि जो असंभव है। ये एक प्रायोगिक बात है, BE का मान 0 बना। उत्कृष्ट विद्यालय में गणित विषय का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का इस हफ्ते 6वां राउंड है और जिसमें छिंदवाड़ा और सिवनी ज़िले के गणित के अध्यापन करने वाले शिक्षकों को बुलाए गए हैं। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम को गणित के पाठ्यक्रम को परिवर्तन किया है, जिसमें कुछ नए नियम लाए हैं और उस नियम को मतलब कठिनाइयों को निराकरण के लिए शिक्षकों को बुलाया है और जिन कठिनाइयों को अधिक रहेगी उनको समझाया जा रहा है कि इनको बच्चों को किस प्रकार मतलब सरलता से समझाए। इस हेतु यहाँ पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है और इसका 6वां राउंड है और ये अपनी संस्था में जाकर अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे ऐसी उम्मीद है। शासकीय कार्यालयों में कार्य को गति प्रदान करते हुए पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में इन दिनों शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ई दक्षता केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्क्रीन पर देखें
ऑफिशियल पत्र व्यवहार के दौरान कभी कभी हमारे द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को हमें सुरक्षित करने के लिए जो हमने बनाया है जिससे उसका दुरुपयोग ना हो सके उसके लिए हमें अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फाइल मेनू है। इसमें सबसे पहले एक इन्फो ऑप्शन आता है। इन्फो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मैं आपको करके बता दूं कि फाइल मेनू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक इन्फो ऑप्शन आता है। इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना होता है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे हम इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें करंट पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। मध्य प्रदेश शासन की ई दक्ष परियोजना के अनुसार जिले के समस्त कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तत्वाधान में जिला छिंदवाड़ा के स्कूल शिक्षा विभाग के 28 कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेसिक विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजेक्शन कैसे किया जा सकता है, कैसे हम शिक्षा को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर बच्चों में रुचि को जागृत करें, इससे संबंधित 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेत देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिले में भ्रमण के लिए रवाना हुए बिजली रथ, विद्युत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलेक्टर सभाकक्ष में हुई जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक, विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए लिए गए निर्णय। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ का आंदोलन लगातार जारी, रैली निकाल कर किया गया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और एक अनोखा कार्यालय जहां हर पल जान हथेली पर रखकर भी होता है काम, जोखिम भरी है हर सीढ़ी। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा फनामा फिलहाल यही तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।